लास्ट 5 सालों में इंडिया में एक्सप्रेसवेज की जैसे एक बूम आई है, जहां काफी सारे एक्सप्रेसवेज का इनॉग्रेशन हो चुका है तो काफी सारे अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है और कुछ पर्शियली ओपन भी हो चुका है। तो आज के वीडियो में हम 2023 में बनते हुए कुछ मेजर एक्सप्रेसवे को देखने वाले हैं, जिसमें कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कुछ पर्शियली ओपन हो चुका है, तो कुछ एक्सप्रेसवे का निर्माण अभी तक चालू नहीं हुआ है। तो इस तालिका में पहले नंबर पे आता है ऑब्वियसली दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, जो इंडिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे भी है। 1350 किलोमीटर लंबी ये ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली और मुंबई को कनेक्ट करती है, जिसे 1,00,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई जा रही है। 8 लेन के इस ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे को 12 लेन तक वाइडनिंग भी किया जा सकता है। और करंट स्टेटस की बात करें तो 1350 किलोमीटर में से सोहना से दौसा तक 246 किलोमीटर को 12 फरवरी 2023 में इनॉग्रेट कर दिया गया था, जहां बाकी सेक्शंस का ऑफिशियल टारगेट कंप्लीशन डेट है दिसंबर 2023, जबकि मेरा मानना है दिसंबर 2026 तक ये एक्सप्रेसवे पूरा बनकर तैयार हो सकता है। नेक्स्ट है दिल्ली अमृतसर कातरा एक्सप्रेसवे। लगभग 650 किलोमीटर लंबी ये ग्रीनफील्ड एंड ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली को कनेक्ट करती है जम्मू के साथ, जिसे लगभग 25,000 करोड़ रुपीज की लागत से बनाई जा रही है। 4 लेन एक्सेस कंट्रोल इस एक्सप्रेसवे को फ्यूचर में 8 लेन तक एक्सटेंड किया जा सकता है और प्रोजेक्ट डेडलाइन है दिसंबर 2025। थर्ड है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे। लगभग 210 किलोमीटर लंबी ये ग्रीनफील्ड ब्राउनफील्ड एक्सप्रेसवे दिल्ली को कनेक्ट करती है देहरादून के साथ, जिसे लगभग 13,000 करोड़ रुपीज की लागत से बनाई जा रही है। 6 और 12 लेन की ये एक्सप्रेसवे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसका टारगेट कंप्लीशन डेट है दिसंबर 2025 तक। फोर्थ है दिल्ली जयपुर एक्सप्रेसवे। लगभग 195 किलोमीटर लंबी ये एक्सप्रेसवे दिल्ली को कनेक्ट करती है जयपुर के साथ, जिसे लगभग 18,000 करोड़ रुपीज की लागत से बनाई जा रही है। 6 लेन की ये एक्सप्रेसवे अभी लैंड एक्विजिशन स्टेज पे है और इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन रखा गया है 2027 तक। 5वें में आता है आगरा ग्वालियर एक्सप्रेसवे। लगभग 88.4 किलोमीटर लंबी ये एक 6 लेन के एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जिसे 2,500 करोड़ रुपीज की लागत से बनाई जा रही है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश, इन तीनों स्टेट्स को जोड़ने का काम करेगा। करंट स्टेटस की बात करें तो अभी ये प्रोजेक्ट बिडिंग स्टेज पे है और कंप्लीशन टारगेट रखा गया है 2027 तक। 6th है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे। लगभग 1257 किलोमीटर लंबी ये एक्सप्रेसवे 4 और 6 लेन का है, जिसका कुछ हिस्सा ग्रीनफील्ड और कुछ ब्राउनफील्ड है। लगभग 80,000 करोड़ की लागत से बनने वाली ये एक्सप्रेसवे पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात, इन चारों स्टेट्स को जोड़ने का काम करेगा। ये एक्सप्रेसवे इंडिया की दूसरी सबसे लंबी एक्सप्रेसवे है और करंट स्टेटस की बात करें तो कुछ हिस्सा अभी रेडी हो चुका है तो कुछ अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है। टारगेट किया जा रहा है 2025 तक इस एक्सप्रेसवे को पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया जाए। 7th है गंगा एक्सप्रेसवे। लगभग 594 किलोमीटर लंबी ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश के मेरठ को कनेक्ट करती है प्रयागराज के साथ। लगभग 40,000 करोड़ रुपीज की लागत से बनने वाली ये एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो 8 लेन तक एक्सटेंड हो सकता है। अंडर कंस्ट्रक्शन इस एक्सप्रेसवे को 2026 तक कंप्लीट करने का टारगेट है। 8th पे आता है गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे। लगभग 92 किलोमीटर ये एक 4 लेन एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर को कनेक्ट करती है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के साथ। लगभग 5,900 रुपीज की लागत से बनने वाली ये एक्सप्रेसवे ऑलरेडी अपनी डेडलाइन मार्च 2023 को क्रॉस कर चुकी है। उम्मीद है 2024 एंड तक इसका निर्माण कंप्लीट हो जाएगा। 9th पे है नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे। लगभग 701 किलोमीटर लंबी ये एक 6 लेन की एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है, जो महाराष्ट्र की नागपुर को कनेक्ट करती है मुंबई के साथ। इस एक्सप्रेसवे को फ्यूचर में 8 लेन तक वाइडनिंग किया जा सकता है। लगभग 55,000 करोड़ रुपीज की लागत से बनने वाली इस एक्सप्रेसवे के फेज 1 यानी 521 किलोमीटर नागपुर से शिरडी तक ओपन हो चुका है। बाकी फेज 2 यानी 180 किलोमीटर को पर्शियली ओपन कर दिया गया है बारवीर तक, जो कुछ 70 किलोमीटर है। बाकी है 110 किलोमीटर जिसे 2024 तक ओपन करने का प्लान है। 10th पे आता है नागपुर गोवा एक्सप्रेसवे। 760 किलोमीटर लंबी ये एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जिसे लगभग 75,000 करोड़ रुपीज की लागत से बनाने का प्लान है। ये एक्सप्रेसवे वार्धा के पास नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे के साथ भी कनेक्ट होने वाला है
और दावा किया जा रहा है कि नागपुर से गोवा जाने में जहां अभी 21 घंटे लग जाते हैं वो इस एक्सप्रेसवे के जरिए सिर्फ 7 घंटे में जा सकेंगे। करंट स्टेटस की बात करें तो ये प्रोजेक्ट अभी DPR स्टेज में है। 11th पे आता है औरंगाबाद पुणे एक्सप्रेसवे। 225 किलोमीटर लंबी ये एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद या संभाजी नगर को पुणे के साथ कनेक्ट करेगा सिर्फ 2 घंटे में, जो अभी 4.5 घंटे लग जाता है। लगभग 10,000 करोड़ रुपीज की लागत से बनने वाली इस प्रोजेक्ट में अभी लैंड एक्विजिशन चालू है। 12th पे है सूरत चेन्नई एक्सप्रेसवे। लगभग 1220 किलोमीटर लंबी ये एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसे 45,000 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। ये एक्सप्रेसवे गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और तमिलनाडु इन चारों स्टेट को जोड़ने का काम करेगा। करंट स्टेटस की बात करें तो कुछ सेक्शन अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कहीं पर लैंड एक्विजिशन चालू है और कुछ अभी बिडिंग स्टेज पर है। दावा किया जा रहा है कि इस एक्सप्रेसवे को 2026 एंड तक कंप्लीट करने का प्लान है। 13th पे आता है बेंगलुरु चेन्नई एक्सप्रेसवे। लगभग 261 किलोमीटर लंबी ये एक्सप्रेसवे एक 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसे फ्यूचर में 8 लेन तक वाइडनिंग किया जा सकता है। लगभग 17,000 करोड़ रुपीज की लागत से बनने वाली ये एक्सप्रेसवे कर्नाटका, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु इन तीनों स्टेट्स को जोड़ेगा। करंट स्टेटस की बात करें तो कुछ सेक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है तो कुछ सेक्शन में अभी लैंड एक्विजिशन चालू है और प्रोजेक्ट की करंट डेडलाइन है दिसंबर 2025। 14th पे है बेंगलुरु पुणे एक्सप्रेसवे। 700 किलोमीटर लंबी ये एक 8 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो महाराष्ट्र के पुणे से शुरू होकर कर्नाटक के बेंगलुरु में एंड होता है। लगभग 40,000 करोड़ की लागत से बनने वाली ये एक्सप्रेसवे एग्जिस्टिंग NH-48 का एक अल्टरनेट रूट होगा। करंट स्टेटस की बात करें तो ये प्रोजेक्ट अभी DPR स्टेज में है। 15th पे है बेंगलुरु विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे। लगभग 518 किलोमीटर लंबी ये एक पार्शियली एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है। करीब 19,320 करोड़ रुपीज की लागत से बनने वाले इस एक्सप्रेसवे की 332 किलोमीटर ग्रीनफील्ड है और बाकी ब्राउनफील्ड है। ये एक्सप्रेसवे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश इन दोनों स्टेट्स को जोड़ने का काम करेगा। करंट स्टेटस की बात करें तो इस एक्सप्रेसवे का सभी सेक्शन अंडर कंस्ट्रक्शन है और कंप्लीशन टारगेट है 2025 एंड तक। 16th पे आता है बेंगलुरु सैटेलाइट टाउन रिंग रोड। लगभग 281 किलोमीटर लंबी एक 4-6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो बेंगलुरु के सराउंडिंग में एक रिंग रोड की तरह काम करेगा। करीब 17,000 करोड़ रुपीज की लागत से बनने वाली ये एक्सप्रेसवे अंडर कंस्ट्रक्शन है और इस प्रोजेक्ट का डेडलाइन है दिसंबर 2025 तक। 17th पे है चेन्नई पेरिफेरल रिंग रोड। लगभग 134 किलोमीटर ये एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जिसे करीब 12,300 करोड़ रुपीज की लागत से बनाई जा रही है। अंडर कंस्ट्रक्शन इस प्रोजेक्ट का भी डेडलाइन रखा गया है दिसंबर 2025 तक। 18th है वाराणसी कोलकाता एक्सप्रेसवे। लगभग 611 किलोमीटर ये एक 4-6 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जिसे करीब 28,500 करोड़ रुपीज की लागत से बनाई जा रही है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश, झारखंड और वेस्ट बंगाल इन तीनों स्टेट्स को जोड़ने का काम करेगा। करंट स्टेटस की बात करें तो अभी ये प्रोजेक्ट लैंड एक्विजिशन की स्टेज पर है। 19th पे है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। लगभग 519 किलोमीटर लंबी ये एक 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश और वेस्ट बंगाल को जोड़ने का काम करेगा। करीब 32,000 करोड़ रुपीज की लागत से बनने वाली ये एक्सप्रेसवे अभी लैंड एक्विजिशन की स्टेज पर है। 20th पे आता है रायपुर वाइजाग एक्सप्रेसवे। लगभग 465 किलोमीटर लंबी ये एक 6 लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश इन तीनों स्टेट को जोड़ने का काम करेगा और एक्सप्रेसवे के चलते रायपुर से वाइजाग सिर्फ 7 घंटे में पहुंच पाएंगे जो अभी 14 घंटे लग जाते हैं। लगभग 20,000 करोड़ रुपीज की लागत से बनने वाली इस एक्सप्रेसवे का डेडलाइन रखा गया है दिसंबर 2025 तक। 21st पे है नर्मदा एक्सप्रेसवे। लगभग 900 किलोमीटर लंबी ये एक्सप्रेसवे मध्य प्रदेश में एक ईस्ट वेस्ट रूट की तरह काम करेगा। ये एक 6 लेन का एक्सप्रेसवे होगा जो नर्मदा नदी के बराबर बनने वाली है। करीब 31,000 करोड़ रुपीज की लागत से बनने वाली ये एक्सप्रेसवे अभी डिजाइन स्टेज में है। 22nd में आता है अहमदाबाद धोलेरा एक्सप्रेसवे। लगभग 110 किलोमीटर लंबी ये एक 4 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो गुजरात के अहमदाबाद को कनेक्ट करती है धोलेरा के साथ। इस एक्सप्रेसवे के निर्माण का कारण है धोलेरा में बनती हुई स्मार्ट सिटी को अहमदाबाद के मेन सिटी के साथ कनेक्ट करना। करीब 3,500 करोड़ रुपीज की लागत से बनने वाली इस एक्सप्रेसवे का डेडलाइन रखा गया है दिसंबर 2024। 23rd और आखिरी प्रोजेक्ट है चंबल एक्सप्रेसवे।
लगभग 404 किलोमीटर लंबी ये एक चार लेन का एक्सेस कंट्रोल एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश को राजस्थान के साथ जोड़ने का काम करेगा। करीब 23,650 करोड़ रुपीस के लागत से बनने वाली ये एक्सप्रेसवे अभी बिल्डिंग स्टेज में है और इसका डेडलाइन रखा गया है दिसंबर 2027 तक। तो ये था 2023 के 23 महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे और उनके करंट स्टेटस। इन्हें छोड़ के और भी कई सारे एक्सप्रेसवे हो सकता है जो हमने इस तालिका में इंक्लूड नहीं किया होगा, तो कॉमेंट करके जरूर बताए। बाकी आई होप कि 2024 में आपको इन सभी एक्सप्रेसवे का अपडेट इसी चैनल पे देखने को मिले। तो आने वाले सालों के लिए बधाई देते हुए आज के इस वीडियो से अलविदा लेते हैं और हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखने के लिए धन्यवाद।